नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। 8 दिसंबर को देश भर में किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए बंद को 12 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। बंदी के दौरान जमशेदपुर शहर की विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु जिला प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की है। इस विषय में जिले के एडीएम ने बताया कि बंदी के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। खासकर शहरी इलाकों के वैसे थाने जहां बंदी का असर ज्यादा दिखने की उम्मीद है, वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही हाईवे पर गश्ती दल लगातार गश्ती पर ही रहेगी। अगर कभी भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है तो गश्ती दल उसे खाली करवाएगी। उन्होंने कहा कि बंदी के कारण आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन तैयार है और बंदी को शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न करवाया जाएगा। जैसे कि भारत बंद को लेकर के हम लोगों ने विभिन्न स्थलों पर मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति किया सभी थाना में और इसे मेन चौक चौराहे पुलिस बल रहेगी और मजिस्ट्रेट ऑलरेडी हमारा 10 चेक पॉइंट ऑलरेडी कार्यरत है। उसके अतिरिक्त हम लोग कल प्रत्येक थाना पे दंडाधिकारी दे रहे हैं और साथ साथ यहाँ के जो शहरी क्षेत्र में चौक चौराहे में हम लोग दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहेगी। हाईवे में दो चीजें हैं, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट यूनियन ही पूरे के पूरे ट्रकों को बंद कराया अपने मालमा जितने ट्रकों को, इसलिए गाड़ियां कल ऐसे कम चलेंगी और अगर उसमें हाईवे में अगर डिस्टर्ब करता है तो हम लोग का पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और साथ साथ जो हम लोग के जो एक मोबाइल टीम्स रहेगी वो ट्रैक्टर उसको हटाने का हमेशा तत्पर रहेगी और हम लोग जाम लगने उस तरह से नहीं देंगे। कोशिश करेंगे हम लोग के लोगों को समझा बुझा करके काउंसिलिंग करके लोगों को बात मना करके हम ये साबित करेंगे। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।